हज़रत सुलेमान का लश्कर आ रहा था और ये चूंटी वादिय नमल में अपनी हमजोलियों के साथ वहाँ तलाश रिज में घूम फिर रही थी तो जू ही लश्कर आते हुए देखा तो इसने अपनी हमजोलियों को कहा जिसकी हकायत कुरान ने की है कहा जल्दी जल्दी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ अल्लाह के नबी का लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाल कई मील दूर से चूंटी की इस आवाज़ को हज़रत सुलेमान ने सुना कुरान बताता है फसामा दाह कम मिन को और उस चूंटी की इस बात को सुनकर पैगंबर के चेहरे पे हंसी आ गई मुस्कराहट आ गई कि ये क्या बोल रही है अल्लाह अकबर चूंटी को पकड़ के कान के पर्दे पे भी डाल दो तो आप फिर भी ना समझ पाएँ कि वो क्या बोल रही है लेकिन अल्लाह के पैगम्बर की शान ये है कि कई मील दूर से वादिय नमल में बोलने वाली चूंटी को जो बोल रही है वो भी सुन रहे हैं और उसका जो मफहूम है वो भी समझ रहे हैं ये पैगंबर की शान है कभी भी पैगंबर को अपनी ज़ात पे क्यास करने की गलती ना करें न पैगंबर हमारे जैसा है ना हम पैगंबर जैसे एक शख्स ने रोज़ा रख लिया तो गर्मी थी चल चलाती धूप थी तो वो बेहोश हो गया तो लोग उसके ऊपर कपड़ा तान करके खड़े थे साए किए हुए तो हुजूर गुजरे तो फरमाया कि ये क्या है तो कहा कि इसने रोज़ा रखा था तो इसकी वजह से ये निढ़ाल हो गया तो फरमाया कि इसको किसने कहा था रोज़ा रखा विशाल का रोज़ा रखा विशाल का रोज़ा एक रोज़े के बाद फिर उसी पर तसलसल के साथ दूसरा रोज़ा तो कहा हुजूर आप जो रखते हैं तो इसने भी फिर देख के रख लिया तो आका करीम मैं अय्यो को मिसली तुम में से मेरी मिसल कौन है अय्यो को मिसली तुम में से मेरी मिसल कौन है और एक दूसरे मुकाम पे आका करीम ने फरमाया लस तो कहे आते को मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कभी कहा अय्यो को मिसली तुम मेरी तरह नहीं हो कभी कहा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि अपने आप को नबी पर कयास करें या नबी नबीम को अपनी जात पे कयास करें अल्लाह ने उनको जो सलाहियतें जो शानें जो अजमतें और जो इम्तियाज़ा अता किए हैं वो उन्हीं का खासा है अल्लाह ने उन्हीं को एक अलग शान और अलग नजाली अजमत अता फरमाई है जो उन्हीं का मकसूम है अब चूटी कितने मील दूर से अपनी हमजोलियों से बात कर रही है कोई हदीस हो तो ज़ीफ़ कह करके कोई कहे कि नहीं मैं नहीं से मानता आयत कुरानी है फतः बसामा बस दाह कम कौलहा चूंटी की उस बात को सुनकर अल्लाह का पैगम्बर मुस्कराने लगा कि ये क्या कह रही है अल्लाह अकबर यार हजरत सुलेमान सलाम चूंटी की बात सुने भी और जो वो कहे उसको समझें भी और उस बात पे मुस्कराएं भी और चूंटी भी कई मीलों पे हो ये शान उस पैगंबर की है कि जो मस्जिद अक्सा में तेरे नबी के पीछे मुक्तदी बन के खड़ा हो जब मुक्तदी की समातों का ये आलम है तो मुक्तदा की समातों का आलम क्या होगा इसलिए मेरे और आपके आको मौलान ने इशाद फरमाया जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देख पाते जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन पाते तो जब सलेमानसम इतनी दूर से च्यूटी की आवाज को सुन भी लें और उसकी सरसराहट के मफहम को अख्ज भी कर लें और उस पर आप जो है वो जवाब भी दें फते है कम मिन कौले हा तो पैगंबर चूंटी की आवाज को सुन ले तो मदीने वाला उम्मीती की आवाज को नहीं सुनेगा तो ये शान है खिदमत गारों की सरकार का आलम क्या होगा अल्लाह ने शान अता है अल्लाह ने अजमत अता की है अब उस चूंटी को इमाम राजी कहते हैं क्यामत तक आने वाली चूंटियों का सरदार बना दिया क्यों इसलिए कि उस चूंटी को इस बात का इल्म था कि अल्लाह के, अल्ला के नबी का लश्कर जान बूझ कर नन्नी जान को भी ज़ाया नहीं कर सकता यहाँ एक लम्हे के लिए रुकीये और इस मफहूम को अच्छी तरह जहन में उतार लीजिए अपने अंदर राशक कर लीजिए नबी की तरबियत पाने वाला लश्कर जानबूझ करके नन्ही जान को भी ज़ाया नहीं कर सकता और जो अपने बदन से बम बांध ले और इंसानों के अंबो में घुस जाए और फिर बम फटे और छोटे छोटे बच्चों के जिस्म के टुकड़े और गोश्त के लोथड़े भी दीवारों से चिपक जाएं और फर्श खून से भर जाए और वो सीने पे हाथ रख के ज़िम्मेदारी कबूल करें वो नबी का लश्कर तो नहीं हो सकता किसी शैतान का लश्कर हो सकता है तो उस चूंटी को अल्लाह ताला ने कयामत तक की चूंटियों का सरदार बना दिया कुरान मजीद की एक सौ चौदह सूरतों में से एक सूरत का नाम ही उस च्यूंटी के नाम पर रख दिया कितना बड़ा एजाज़ दिया उस चूंटी के नाम पर सूरा अन नमल ज़ात की चूंटी है लेकिन पैगंबर के तरबियत याफ़्ता लोगों के मिजाज को जानती है यार पैगम्बर की सोहबत में रहने वालों का कोई मिजाज आश बन जाए और उस मिजाज आशनाई की वजह से उसको इज्जत प्रोटोकॉल तकरीम और क्यामत तक आने वाली चूंटियों की सरदारी बख्शी जाती है तो जो मिजाज पैगम्बर का हामिल है उस अबू बकर की शान का आलम क्या हो उसकी अजमतों का आलम क्या है तो उस चूंटी को क्यामत तक आने वाली चूंटियों का सरदार बना दिया गया तो उसकी सरदारी का सबब उसके ये जानने की वजह से है कि पैगंबर की तरबियत में रहने वाले जानबूझ के नन्ही जान को भी ज़ाया नहीं कर सकते